बॉलीवुड के सुपरस्टार कहे जाने वाले शाहरुख खान जब पटना एयरपोर्ट पहुंचे तो उनके फैंस में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। हर कोई अपने सुपरस्टार के साथ एक सेल्फी लेना चाहता था या उनसे हाथ मिलाना चाहता था। हर फैंस एक साथ खड़ा था, लेकिन फैंस के बीच भी कुछ अनोखे फैंस भी थे जो उनकी एक झलक पाने को छत पर भी खड़े हो चुके थे। घंटे से हम यहाँ पे खड़े हैं, पास के साथ एंट्री नहीं मिल रहा है, तो बता नहीं सकते अपना फीलिंग्स शेयर नहीं कर सकते। मतलब अंदर से बस रोना ही आ रहा है और इवन कितने बार बता भी नहीं सकते। क्या बोला जा रहा है गेट पे? एंट्री नहीं मिल रहा है, बस गेट बंद हो रहा है। 2 बजे तक एंट्री था, उसके बाद हम जब आए हैं तो गेट लॉक हो चुका है, कहीं से भी एंट्री नहीं मिल रहा है। क्या बोला जा रहा है जो गेट पे जो गार्ड वगैरह है पुलिस? कुछ नहीं, बस पास का कोई वैल्यू नहीं रहा है आजकल के टाइम पे, पास का कोई वैल्यू नहीं, इसको फाड़ करके फेंक दीजिए, इसका कोई महत्व नहीं रहा है। भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी अपनी कमर कस ली थी, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पटना एयरपोर्ट से लेके गांधी मैदान स्थित बाबू सभागर में भी 500 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था। सीने स्टार को देखने के लिए खासकर युवा वर्ग एकत्र हो गया था। कई लोगों जिनको पास मिला है वो अंदर गए हैं, कुछ लोगों को पास नहीं मिल पाया था, वो लोग बाहर थे और अंदर जाने के लिए जिद कर रहे थे, उन्हीं को हम लोगों ने ऐसा है। कोई गलत या कोई गलती चूक ना हो, फैंस के उत्साह देखते हुए और भीड़ को बेकाबू होने के बाद जब पुलिस ने लाठी चार्ज किया तब भी फैंस वहां से डहले नहीं। फैंस लाठी खाने के बाद भी शाहरुख खान के दीदार के लिए खड़े रहे। Fuck!